चिंता ला रहा है ठीक है। और जब मैंने स्टडी की तो सर कंपनी करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए कमा रही है। ठीक ठीक। अभी मेरे पास फोन आया कह सर मैं बिहार से जुड़ा हूँ और अभी परसों ही मेरी आईडी लगी है तो मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं नंबर कहाँ से मिल जाता है, अभी दो दिन पहले ज्वाइन हुआ है उनको नंबर सीधा मेरा मिल जाता है, लोग ही दे देते हैं भैया कोई भी इंक्वायरी हो तो यहाँ पूछो। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब मैंने आपका प्लान देखा और प्लान बहुत अच्छा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये 6 रुपए रोज के दे रहे हैं तो आप कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अब कहाँ से दे रहे हैं ये कभी पे फोन ने बताया क्या कहाँ से दे रहे हैं? गूगल पे ने बताया, तेज फोन ने बताया, फेसबुक ने बताया, यूट्यूब ने बताया, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के डालते हैं उसमें पैसा आता है, पता है यूट्यूबर्स को पैसा मिलता है, कभी पूछा यूट्यूब से कहाँ से देते हो भाई, क्यों देते हो? नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछा। ठीक है, तो लेकिन देते हैं तो कहीं से तो आता होगा ना, वो सीक्रेट है कंपनी का। अगर वो सीक्रेट ही कंपनी में सब खोल दिया भैया हाँ देखो मेरे पास ये खजाना गड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देते हैं हम, तो सब लोग नहीं उस चीज को कर लेंगे या वो उस खजाने को चोरी करके ले गए तो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं जो सारी चीजें खुल के नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ इतना समझना चाहिए कि अगर कोई कंपनी पैसा दे रही है फ्री में वो भी, तो कुछ ना कुछ कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो दे रही है, अदरवाइज वो दे ही नहीं सकती। तो बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनी के कहां से वो रिवेन्यू जनरेट होता है, कहां से वो पैसा बनता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा जिन आंकड़ों से आपको एक विश्वास होगा कि पैसा बनता है कि नहीं बनता, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले फेसबुक को सब लोग जानते हैं, ये पूरे आंकड़े जो है ये ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये पूरे आंकड़े रिकॉर्डेड हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सीए लाइन से हैं, अकाउंटेंट लाइन से हैं, तो आप इनकम टैक्स में भी जाके पता करेंगे, इंडिया में तो नहीं क्योंकि मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तो वो इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे आपको सारे आंकड़े मिल सकते हैं। जो भी आंकड़े हैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। फेसबुक सर आप लोगों से कोई पैसा लेता है क्या? नहीं। क्या देता है? हमें एक सर्विस देता है जिससे सारी दुनिया लगभग जुड़ी हुई है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 2018 का, अभी 20 चल रहा है, 2018 की इनकी एनुअल क्लोजिंग हो चुकी है, और एनुअल क्लोजिंग होने के बाद जो इनकी बैलेंस शीट बनती है, जो इनका लॉस प्रॉफिट निकल के आता है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर क्या होता है कि जो बैलेंस शीट बनती है ना उसमें वो थोड़ा सा इनकम को कम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि टैक्स थोड़ा सा बच सके, लेकिन फिर भी जो दिखाया है हम उसी पर बात करेंगे। 2018 के अंदर कंपनी के पास ऑल ओवर वर्ल्ड 200 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? जो लोग फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उसमें इंडिया भी आता है, सारे देश आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2018 का ये डेटा है, और 2018 के अंदर कंपनी को जो प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है कि उनको कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है एक साल का 2018 का बैलेंस शीट का, वो है $56 बिलियन। $56 बिलियन का मतलब ये होता है, अगर इसको हम पहले तो बिलियन समझ में आता है, बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। तो 56 बिलियन अगर डॉलर है तो समझ के चलो आप 5600 करोड़ डॉलर। क्लियर? $1 का नॉर्मल सा प्राइस अगर हम रखें, अभी 75 रुपए चल रहा है, ठीक है, लेकिन 70 रुपए हम लेके चलते हैं, अगर 70 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनते हैं सर 392,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं, जो सही आंकड़े बिल्कुल जो बैलेंस शीट बन चुकी है, इसलिए मैं 2018 का बता रहा हूं, 2020 का नहीं बता रहा क्योंकि 2020 का अभी बना नहीं है और 2019 का अभी मार्केट में आया नहीं है। अब इस 392,000 करोड़ को, ये एक साल का रिवेन्यू है सर, कितने साल का? एक साल का। अगर हम इसको एवरेज करें कि एक साल का है, डिवाइडेड करेंगे 12 से, महीने का निकालना है ना, एक महीने का कितना है, तो एक महीने का निकल के आता है 32,666 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसको अगर ये महीने का है, इसको डिवाइडेड कर देते हैं 30 दिन से, तो क्या आ जाएगा? एक दिन का रिवेन्यू आ जाएगा, एक दिन का रिवेन्यू है जी इनका 1,088 करोड़ रुपए। ठीक है,
अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टोटल एक्टिव यूजर कितने हैं? 200 करोड़, और एक दिन का रेवेन्यू कितना है? 1088 करोड़। सिंपल सी कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 200 कर दो, करोड़ से करोड़ माइनस, ठीक है। और 1088 को अगर 200 से डिवाइडेड करेंगे तो सर ये पर यूजर निकल के आता है ₹5.44। ये कैलकुलेशन दिखाने का मेरा मकसद कोई बता सकता है? यस जी, जब ये फ्री में एक यूजर से ₹5.44 कमा सकती है जिसका किसी को भी नहीं पता जी, तो सर हम भी अगर अपने यूजर बढ़ा लें और इसी डाटा को बात करें तो हम भी करोड़ में। बिल्कुल सही है गुलजार जी ने, बिल्कुल सही दिया, आसपास दिया। मैं थोड़ा सा इसको ये बोल देता हूँ कि जो लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप पैसा कहाँ से कमाते हैं, देखिए हम लोग भी जो काम कर रहे हैं वो सोशल नेटवर्क का कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को एक्टिव रहने के लिए टास्क दिखाया जाता है। टास्क करने का मतलब, असली मकसद क्या है? टास्क करने का असली मकसद ऐसा नहीं कि वो एड वो देखने से उससे पैसा जनरेट होता है। टास्क करने का असली मकसद है कि यूजर एक्टिव रहे। किस पे एक्टिव रहे? हमारी साइट पे, हमारे प्रोजेक्ट पे। तो जब वो एक्टिव रहता है तो वहां से रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर इसका रिवेन्यू पर यूजर ₹5.44 आता है और हम लोग कितना देते हैं पर यूजर? ₹6, तो लगभग आसपास ही है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं, वो क्या है? 200 करोड़ लोग हैं, एक यूजर पूरे महीने में अगर सिर्फ ₹500 का रिचार्ज करता है, हम लोग क्या करते हैं? फेसबुक तो रिचार्ज नहीं करता ना, हम लोग तो रिचार्ज भी कर रहे हैं। अगर एक यूजर ₹500 का पूरे महीने में रिचार्ज करता है तो कितना रिवेन्यू आता है जी? 1,00,000 करोड़ हो गया। और 1,00,000 करोड़ को ये महीने का है, मतलब 30 दिन का है, तो डिवाइडेड बाई अगर 30 करेंगे तो एक दिन का निकल के आएगा, तो एक दिन का निकल के आता है जी 3,333 करोड़। और इसको अगर डिवाइडेड बाय 200 यूजर, मैं कहता हूँ कि सब में बांट दिया हमने, सॉरी पहले तो इसको हम अगर 3,333 करोड़ है, कंपनी का मार्जिन है जी रिचार्ज के अंदर लगभग 2% का, आपको जो रिचार्ज में पैसा बांटा जाता है तो उसके बाद भी कंपनी को प्रॉफिट होता है रिचार्ज के अंदर। अगर हम 2% का एवरेज लेके चलें ₹100 के ऊपर, तो ये निकल के आता है लगभग 66 करोड़ रुपए। और 66 करोड़ रुपए को अगर 200 लोगों में, मैं कहता हूँ ये प्रॉफिट भी हमने बांट दिया आप लोगों में, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट, जो 2% बच रहा है रिचार्ज का ये भी हमने आप लोगों में बांट दिया, तो भी 35 पैसे पर यूजर प्रॉफिट निकल के आता है। तो ₹5.44 वो, 35 पैसे ये हो गए। इसके बाद आप लोगों से क्या लिया जाता है जी? ₹124 एक्टिवेशन के। एक्टिव रहोगे तो एक्टिव करोगे आईडी को। अगर ₹124 से 200 करोड़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी कुछ अमाउंट बनती है, चलो पूरी कैलकुलेशन पे नहीं जाते, वहां से भी कुछ पैसा आता है, वो भी मैं कहता हूँ कि सारा पैसा हमने आप लोगों में बांट दिया, हमें नहीं चाहिए सर कोई पैसा, यानी कि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये सारा जितना पैसा निकल रहा है। अभी इसके अलावा अदर सर्विसेज है, बस सर्विस है, अभी फ्लाइट आ रही है, अभी होटल्स आ रहे हैं, अभी यूटिलिटी बिल आ रहा है, तो इसमें भी जो भी प्रॉफिट आएगा मैं कहता हूं ये सारा प्रॉफिट भी हमने बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। अब आप बोलेंगे सर सब कुछ बांट दोगे तो आप लोग कैसे चलाओगे, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के खर्चे कैसे निकलेंगे, कंपनी को क्या प्रॉफिट? सर अब हम वर्ल्ड वाइड बात ना करके, ये तो 200 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया पे आ जाते हैं जी। इंडिया की आबादी कितनी है सर? 125 करोड़। हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या हम सब लोग 10 करोड़ का आंकड़ा कर सकते हैं? Yes. बहुत इजी है, कम से कम ले लिया हमने 10 करोड़ लोग ऑलरेडी हम 1 करोड़ पहले प्लस कर चुके हैं जी। तो 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है करना, अभी आज हमारी कंपनी के अंदर लगभग 4,00,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आज या कल में ही 4,00,000 का आंकड़ा हमारा पार हो जाएगा, बस उसके नजदीक है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 10 करोड़ की बात करें कि 10 करोड़ यूजर हैं हमारे पास, और जो भी पैसा कंपनी को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है सारा पैसा बांट रही है कंपनी, सारा A to Z पूरा, और हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं कितने पैसे पे? 10 पैसे पे, यानी कि मुझे या कंपनी को सिर्फ 10 पैसे पर यूजर से अगर बच रहे हैं तो कितना बनता है?
कितना बनेगा जी? ये बन जाएगा सर अगर 10 पैसे के हिसाब से, नहीं सर 10 पैसे के हिसाब से अगर 30 दिन की अगर हम बात करें, ये एक दिन का है तो 30 दिन का अगर एवरेज लगाएं तो 3 रुपये हो गया एक यूजर से, 10 करोड़ यूजर है तो महीने का कितना हो जाएगा 30 करोड़ रुपए। कम है क्या? कंपनी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन सिर्फ ये 30 करोड़ ही नहीं है, इसके अलावा भी पता नहीं कितने करोड़ों 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 रुपए हैं। यानी कि ये चीजें मैं आपको ये आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोगों के अंदर एक चीज ये विश्वास आए सबसे पहले कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, ये काम प्रॉफिटेबल है, मेक लॉस का ये बिजनेस नहीं है जी। अगर मेक लॉस का होता तो मैं पागल नहीं हूं सर कि मैं इतना बड़ा होटल खोल के, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना के, मेरा सिर्फ 5 लाख रुपए सैलरी जाती है सर ऑफिस में, सिर्फ जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप लोगों का, बहुत सारी वेबसाइटें बना रहे हैं, 5 लाख रुपए सैलरी है, 40-40 हज़ार रुपये एक एक जो स्टाफ है उनकी सैलरी है, तो मुझे कोई पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, है ना। तो अगर मैं ये बिजनेस बना रहा हूँ, अभी हम उसकी मीटिंगें भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं, मैंने टूर भी की, अभी मैं मेरठ जाके आया 2 बार, राजस्थान में हमने मीटिंग की, कर्नाटक में मैं 2 बार जा चुका हूँ, यहाँ से कर्नाटका, वहाँ पर बहुत अच्छी टीम बन रही है, ठीक है। तो आज हमने ये LDP प्रोग्राम भी रखा है, 124 रुपये कुछ भी नहीं है सर। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा ना सर उस चीज का, कोई तो लॉजिक होगा कि कहां से प्रॉफिट होगा। अब इसको अगर हम ये कंपैरिजन करें कि यार इस महीने देखिए, बिजनेस जो होता है ना सर, वो बिजनेस के तरीके से चलता है। मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन ये सोचे कि इस महीने मैंने बिजनेस शुरू किया और इस महीने मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है मान लीजिए 1 लाख की और मुझे रिवेन्यू आया है मान लीजिए 50,000 का, और अगर वो इस महीने को देख के अपने बिजनेस का शटर डाउन कर देता है, तो मैं कहता हूं उससे बेवकूफ इंसान इस दुनिया का नहीं है। अगर सर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में 50% का भी अगर रिवेन्यू आ जाता है तो बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, नहीं तो लोग 5-5% भी अगर रिवेन्यू आता है ना सर, तब भी बिजनेस को करते हैं, जीरो में जाता है तब भी काम करते हैं, माइनस में अगर चला जाता है ना तब भी लोग काम करते हैं। लेकिन किस सोच वाले लोग? बड़ी सोच वाले, जैसे फेसबुक का मालिक है, व्हाट्सएप का मालिक है, रिलायंस कंपनी का मालिक है, टाटा कंपनी है, बाटा कंपनी, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये सब लोग उस सोच के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आम इंसान उस सोच से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आम इंसान के पास उतनी बैकअप, उतना स्ट्रांगनेस जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये आंकड़े दिखाने का मतलब आपको ये था कि ये जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई भी मेक मनी लॉस खाने का बिजनेस ये नहीं है। तो आप लोग बिंदास होकर इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो, कंपनी कहां से देगी, कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी आराम से आसानी से दे सकती है, ये पहला लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे।